और इसमें कलयुग के भक्तों में हमने चुना श्री गोदाम्बा जी, लक्ष्मी की ही अवतार स्वरूपा श्री गोदाम्बा जी। चरित्र बहुत सुंदर है श्री गोदाम्बा जी का, और जो श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, रामानुज संप्रदाय में जो प्रतिष्ठित हैं, ऐसे वैष्णव जन सब श्री गोदाम्बा जी को भली भांति जानते हैं। हम लोग अष्ट सखाओं की वार्ताएं सुनते हैं, हम लोग श्री तुलसीदास जी के और एवं उनके समकालीन भक्तों के चरित्र सुनते हैं, हम लोग श्री मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई और करमेती बाई आदि, सक्कूबाई आदि के प्रसंग सुनते हैं, क्योंकि ये सब उत्तर भारत में हुए, परंतु दक्षिण में ठाकुर जी के कई भक्त हुए, उनके चरित्र भी अद्भुत हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त प्रतिष्ठित भक्तों को, अत्यंत भक्ति प्रतिष्ठित भक्तों को आलवार के नाम से जाना गया। उन्हीं आलवारों में एक ठाकुर जी के चरण उपासी आलवार हुए श्री विष्णुचित स्वामी जी। उन्हीं के परिवार में माता परम्बा जगदम्बा श्री महालक्ष्मी ही कलिकाल में गोदाम्बा जी के रूप में प्रकट हुई। हमारे यहाँ जब वो ठाकुर जी को निवेदित केस में, वो सूक्ष्म में ही मैं कथा सुना के आगे चलूंगा, लेकिन बाद में उनको अम्बा कहा, वैसे उनका नाम श्री गोदा जी था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो श्री गोदा जी जो थी, विष्णुचित स्वामी जी नित्य श्री वेंकटेश भगवान के, श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की अर्चना करते थे। उनका एक सुंदर वन था, उस वन में सुंदर तुलसियां लगी थी, उन तुलसियों से सुंदर एक माला सिद्ध करते, और माला सिद्ध करने के बाद में बिल्कुल अपरस में आकर के स्नान आदि करके, तिलक आदि लगा करके, और फिर उस माला को लेकर के जाते और श्री वेंकटेश भगवान के, श्री नारायण भगवान के अंग में उसको प्रतिष्ठित करते थे। परंतु श्री गोदा जी बचपन से ही भगवत चरित्र सुनती थी, भगवत भावों को जब सुनती थी, और या फिर ऐसा कहो वो जब भी दर्शन करने जाती थी ना, तो जब श्रीमन नारायण का दर्शन करती थी तो वे इस भाव से नहीं करती थी कि ये भगवान है, ये नारायण है, ये चतुर्भुज स्वामी है, वो इस भाव से करती थी, ये मेरे कांत हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। और भैया नाते तो ठाकुर जी से कोई तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ठाकुर जी से कोई भी नाता तो जोड़ो, जीवन में जिस संबंध का अभाव हो वही संबंध ठाकुर जी से बना लो। भाई नहीं है, ठाकुर जी कोई भाई बना लो, पुत्र नहीं है, ठाकुर जी कोई पुत्र मान लो। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं, आप लोग कहोगे हमारे जीवन में तो सब है, महाराज जी बालक भी हैं, पुत्र भी हैं, पुत्री भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं, माता पिता सब कुछ है, चाचा ताऊ सब लोग हैं, हम ठाकुर जी को क्या माने। एक संबंध का अभाव सबके जीवन में है, सखा मित्र, और एक और संबंध का अभाव है, बताऊं, गुरु। या तो नाथ को गुरु भाव से भजो, लेकिन गुरु में भी ना एक थोड़ी दूरी हो जाती है, हमें ठाकुर जी बिल्कुल बगल में ही चाहिए। तो सबसे प्रिय भाव है ठाकुर जी के प्रति सखा, ठाकुर जी को सखा मानो। अभी सखत तो आएगा ठाकुर जी का आगे नवदा भक्ति में। तो श्री गोदा जी जब श्रीमन नारायण को देखती हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का जब दर्शन करती हैं, तो मन में भाव उत्पन्न होता है, ये मेरे कांत हैं, क्योंकि लक्ष्मी ही प्रकट हुई हैं गोदा जी के रूप में। तो वो नित्य क्या करती थी कि जब श्री विष्णुजीत स्वामी जी तुलसी की माला बना करके और फिर उसको एक व्यवस्थित पात्र में रख करके स्नान के लिए जाते, इतने में ही श्री गोदा जी आती और आकर के ठाकुर जी को निवेदित होने वाली उस माला को अपने गले में पहन लेती, और पहन करके फिर नृत्य करती, कभी बगीचे में घूमती, कभी कहीं जाती, और इस भाव से रखती कि अब ये उनको उनको पधरने वाली है, उनके अंग में जाने वाली है, तो वे मेरे कांत हैं। निर्माल्य जो होता है ना बंधुओं, ठाकुर जी का निर्माल्य जब एक बार हमारे अंग में आ जाए, उसके बाद वो किसी विशिष्ट को और ठाकुर जी को नहीं देना चाहिए। मंदिर में आप गए, पुजारी जी ने ठाकुर जी का निर्माल्य आपको गले में पहना दिया, तो आप चाहो तो उस निर्माल्य को या तो गंगा में विसर्जित कर दो, या फिर कहीं व्यवस्थित रख दो, या फिर कहीं वृक्ष के नीचे रखो, अपने से छोटों को पहना दो, अपने से श्रेष्ठों को पहनाने का भाव नहीं है। लेकिन पत्नी पति चाहें तो एक दूसरे का यदि उतरी हुई माला हो तो धारण कर सकते हैं। शिष्य की माला गुरु नहीं पहन सकते, या छोटे की माला कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं पहन सकता, निर्माल्य के बड़े भाव हैं। अच्छा, निर्माल्य का एक और भाव है कि ठाकुर जी का प्रसाद और ठाकुर जी का निर्माल्य जब आपको प्राप्त हो, मंदिर परिसर में यदि वो आपसे छूट जाए, गिर जाए, पैरों में आ जाए, तो कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन यदि मंदिर परिसर से बाहर वो गिरता है तो आपके हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई सद्भाव विद्यमान होता है। निर्माल्य पर चरण रखते ही वो सद्भाव नष्ट हो जाता है। भीतर हमारे कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई सद्भाव, कोई ना कोई विवेक युक्त एक स्थिति हम सबके भीतर होती है। निर्माल्य पर चरण रखने से वो नष्ट हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के प्रसाद को, ठाकुर जी की माला को बड़ा संभाल के रखते हैं संतजन, कहीं चरणों में ना पड़ जाए। तो श्री गोदा जी नित्य उस माला को पहन लेते हैं और जैसे ही उनको पता चलता कि अब पूज्य पिताजी आने वाले हैं, उससे पूर्व ही जाकर के वो माला को सुव्यवस्थित कर देती और वहां से चली जाती। और विष्णुचित स्वामी जी उस माला को लेकर के जाते और जाकर के श्रीमन नारायण को पधरा देते। नित्य का यही क्रम रहा। एक दिन ऐसी भाव निमग्न होकर के श्री गोदाजी नृत्य कर रही थी, गले में माला धारण की हुई थी। नृत्य करते करते उनको मानो यह भाव लगा कि साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, मेरी भुजा पकड़ करके मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भावावेश में प्रवेश कर गई कि भूल गई कि पिताजी के आगमन का समय है, मुझे माला व्यवस्थित उसी स्थान पर रखनी है। इतने में ही श्री विष्णुचित स्वामी आ गए और उन्होंने आकर के जैसे ही देखा श्री गोदाजी उस माला को पहन करके नृत्य कर रही हैं, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया, पुण्यम पापम पुण्यम पापम, हे नाथ क्षमा करो। ठाकुर जी को निवेदित होने वाली माला गले में धारण कर रखी है। उन्होंने जाकर के हाथ पकड़ा, बोले बिटिया तुमको पता है ये ठाकुर जी को निवेदित होने वाली माला है और तुमने अपने गले में धारण कर ली, ऐसा क्यों किया बेटा? गोदाजी बोली अब कब तक छिपाएंगे, आज सत्य बता ही देते हैं। आज निवेदित करते हुए सत्य बताया, बोले पिताजी मैंने आज धारण नहीं की है, मैं नित्य ही धारण करती हूँ और आपके आपके द्वारा ठाकुर जी को निवेदित होने से पूर्व सुव्यवस्थित रख देती हूँ। वास्तव में मैं उनको अपना कांत मानती हूँ, मैं उनको अपने पति रूप में भजती हूँ, इसलिए मैं नित्य उनके उनको अर्पित होने वाली माला अपने गले में पहन लेती हूँ। पिताजी मुझे क्षमा करें लेकिन मेरा यही भाव है उनके प्रति। विष्णुजीत स्वामी जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फिर दूसरी माला सिद्ध की। माला सिद्ध करने के बाद समझाया, बेटा इस प्रकार नहीं करते, वो साक्षात नारायण हैं, हम अपनी वस्तु उनको नहीं दे सकते हैं, अपराध होता है, पाप होता है, भगवत अपराध बहुत कठिन होता है, फिर नरक में जाना पड़ता है, आदि आदि भाव बताए। लेकिन प्रीति जब हृदय में प्रकट हो तो फिर अपराध का बोध किसको हो, और वही प्रीति यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए। बंधुओं प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रभुता फिर दिखाई नहीं देती है। आप सामान्य व्यक्ति से भी प्रेम करते हो, अच्छा एक एक उदाहरण के रूप में लो, कोई बेटा है बहुत बड़ा अफसर बन गया, परंतु जब वो अपनी मां के सामने जाएगा वो अफसर बन के जाएगा? आप हमें ही ले लो, आप सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, दंडवत करते हो, लेकिन मैं क्यों, क्योंकि वक्ता हूं, भागवत की कथा कहता हूं, लेकिन मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा मेरी माँ प्रणाम करेगी मुझे? नहीं, क्योंकि प्रेम में हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसकी प्रभुता को विशेषता नहीं देते, वही विशेष होता है हमारे लिए। और जहां प्रभुता नष्ट नहीं होती ना वहां प्रेम नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख करके प्रेम होता है। विशंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, मुकुट धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि पहनते हैं, वे नारायण हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, ये ठाकुर जी की प्रभुता है, ये उनका उनका प्रभाव है। लेकिन उनका स्वभाव क्या है? अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांक्षया पायय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम प्रतून्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं, बोले स्तनों में विष लगा करके आई थी पूतना और पूतना को मार करके कौन सी गति प्रदान की? अरे राक्षसों को मारते हैं भगवान, उनको वैकुंठ मिलता है, लेकिन पूतना को ठाकुर जी ने सबसे विशेष स्थिति दी, वैकुंठ में भी वो स्थान दिया जो स्थान भगवान की मां को प्राप्त होना चाहिए। जिसने धराधाम पर ठाकुर जी की मां का किरदार निभाया, यशोदा मैया हैं, कौशल्या मैया हैं, श्री देव की मैया हैं, इनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान पूतना को दिया ठाकुर जी ने। वैकुंठ निवासी सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले नाथ ये क्या कर रहे हो आप, आपको मारने आई थी,
आप इसको वो स्थिति दे रहे हो जो यशोदा मैया को प्राप्त होनी चाहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं उसका नाम अच्छा नहीं है, उसका काम अच्छा नहीं है, उसकी जाति अच्छी नहीं है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से मारने आई थी ना मुझको वो भा गया। अरे बताओ, पयोधर का पान वात्सल्य भाव से कराया जाता है, कोई मारने के भाव से कराता है क्या? लेकिन उसने उस वात्सल्य से भी मुझको मारने का प्रयास किया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूं। मैं दो मिनट के लिए ही सही, मेरे भीतर ऐसा भाव आया कि वो मेरी माँ है, इतने दयालु नाथ हैं, ये उनका स्वभाव है। स्वभाव से प्रेम होता है, प्रभाव से संबंध हो सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। और आपको बताएं, श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण लिखा ही इसलिए गया है। वेदव्यास जी महाराज बहुत दुखी थे, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, मेरा मन शांत क्यों नहीं, मेरा हृदय शांत क्यों नहीं है? तब नारद जी महाराज ने आकर के कहा, बोले क्योंकि आपने श्री कृष्ण को सब जगह भगवान के रूप में दिखा दिया, लेकिन वही कृष्ण गोपियों के कहने पर माखन भी खाते हैं, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत उठाते हैं, वही कृष्ण घुटमुन चल करके और जो है दोहरी लांगने का प्रयास करते हैं और देहरी पर ही अटक जाते हैं, वही परमात्मा को आपने परमात्मा के रूप में सब जगह दिखा दिया, लेकिन उस परमात्मा का स्वभाव कैसा है? वो जब पृथ्वी पर आता है तो प्रेम कैसे करता है, ये आपने कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए आप अशांत हो। नारद जी महाराज कहते हैं, श्रुति में परे, स्मृति में परे, नीतिम में परे, भजन तु भव भीता, अहम तु वृंदम नंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। नारद जी कहते हैं मैंने श्रुतियों में खोजा, मुझे भगवान नहीं मिले, मैंने स्मृतियों में खोजा, मुझे ईश्वर नहीं मिला, मैंने नीतियों में खोजा तब भी मुझे नहीं मिले, मैंने बड़े बड़े भजनानंदी योगियों से पूछा, वह भी मुझे नहीं बता पाए कि वो परब्रह्म कहां है। तभी मैंने क्या किया, बोले अहम तु नंदम वृंदे, मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में जैसे ही नंद भवन के सामने से निकल रहा था, इतने में ही मैंने क्या देखा कि नंद भवन की इतनी ऊंची दहली थी और उसको नन्हे से बाल कृष्ण पार कर रहे हैं, जो अपने दो पग से तीनों लोक नाप लेते हैं, वो नन्हे से ठाकुर जी नंद बाबा की दहली पार नहीं कर पा रहे। मैंने परब्रह्म को वहां पर देखा, और ये भी नहीं, वहां तो कहते हैं यस्यालिंदे, लिंदे का अर्थ हुआ मैंने दहली पर लदा हुआ ठाकुर जी को देखा। लदा हुआ समझते हैं, मानो इतनी ऊंची दहली, नंद पुराने जमाने में ऊंचे ऊंचे दहलियां बनाते ताकि सर्प भीतर ना आ जाए, कीड़े मकोड़े अंदर घर में ना आ जाए, ऊंची ऊंची दहली बनाते थे। तो नारद जी ने किस स्थिति में ठाकुर जी को देखा कि बोले अंदर से तो आ गए, लेकिन दहली से पल्ली तरफ इतनी नीचे था कि ठाकुर जी वहीं पर लदे हुए हैं, अब सोच रहे मैं उतरूं कैसे, मैंने वहां पर ब्रह्म को देखा। यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। विष्णुचित स्वामी जी ने दूसरी माला सिद्ध की, और दूसरी माला सिद्ध करके बिना गोदाम्बा जी के स्पर्श के, जो नित्य स्पर्श से जाती थी, आज वो बिना उनके स्पर्श से ही सीधी सिद्ध होकर के गई। गोदाम्बा जी खूब भाव में थी आज, आज मेरे अंग की स्पर्श माला मेरे कांत को नहीं चढ़ाई जा रही है, मेरे कांत को अर्पित नहीं की जा रही है। बिना गोदाम्बा जी के स्पर्श के जैसे ही माला लेकर के गए और जाकर के जैसे ही श्रीमन नारायण को अर्पित की, गले में पधराते ही माला टूट के नीचे गिर गई। बोले तो बड़े भाव से बनाई थी, बड़े अच्छे से सिद्ध की थी, कैसे टूट गई? दूसरी माला सिद्ध की, धारण कराई, वह भी टूट गई। तीसरी माला सिद्ध की, वह भी टूट गई। ठाकुर जी ने आज माला ही नहीं पहनी। विष्णुचित स्वामी जी ने अपने संग के परिकर के समस्त वैष्णवाचार्यों के सम्मुख अपना भाव रखा। आज ठाकुर जी ये तुलसी की पवित्र माला धारण नहीं कर रहे हैं, और भाव यही रखा कि नित्य धारण करते थे, मेरी पुत्री कांत भाव रखती है ठाकुर जी के प्रति, वो नित्य अर्पित होने से पहले अपने गले में पहन लेती, नाचती गाती आनंद करती निमग्न हो जाती, तब ठाकुर जी को निवेदित हो रही थी, लेकिन मुझे उसमें दोष दृष्टि का अनुभव हुआ, इसलिए मैंने नवीन माला अर्पित की ठाकुर जी को, ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, आप सब लोग विचार करके बताओ। बोले काम करो, दो माला सिद्ध करो, एक माला अपनी पुत्री को पहना करके लेके आना, और एक माला बिना पहनाए, पहले बिना पहनाए वाली पहनाना, फिर टूट जाए तो समझना कुछ गड़बड़ है, और पुत्री की अर्पित की हुई स्पर्श की माला फिर पहनाना, देख लेंगे क्या होता है। दो मालाएं पुनः सिद्ध की गईं, एक माला को श्री गोदा जी के कंठ में धारण कराया, एक माला को स्पर्श भी नहीं कराया, अप्रस की माला, और फिर दोनों मालाओं को लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख गए, तो जो अप्रस की माला थी उसको धारण कराया, अब तक तीन चार बार करा चुके थे, नहीं पहन रहे ठाकुर जी, पुनः कराया तो पुनः फिर नहीं पहनी, लेकिन जैसे ही गोदाम्बा जी के कंठ की उतरी हुई उनके स्पर्श की माला जैसे ही नाथ को धारण कराई, नाथ ने उसको स्वीकार कर लिया। मतलब
श्री गोदा जी ने स्वयं को ठाकुर जी के चरणों में अर्चित कर दिया, स्वयं को ही अर्पित कर दिया। तो केवल गोदा जी ने अर्पित किया, ठाकुर जी ने स्वीकार किया नहीं किया, यह बात सिद्ध कहां हुई? यहां सिद्ध भी हो गई कि ठाकुर जी ने भी उनको स्वीकार कर लिया। गोपियों के भाव में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में जहां पर रासपंच अध्याय प्रारंभ होता है, वहां पर एक प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज ने, बोले भगवान सुखदेव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गोपियां भगवान के प्रति कांत भाव रखती हैं? जो यज्ञ भोक्ता भगवान है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान है, जो व्यक्ति के कल्याण करते हैं, जन्म मरण के बंधन से बचाते हैं, वो नाथ साक्षात लक्ष्मीपति, उनके प्रति ये कांत भाव रखती हैं? और एक भाव और कह दिया कि ये काम भाव से उनको बचती हैं। मुझे ये बात सुन के अच्छी नहीं लग रही है। तब आपको पता भागवत में सुखदेव जी ने डांट लगाई परीक्षित को, बोले आप कैसे कह सकते हो, मतलब कंस 100 गाली दे उसमें कोई दिक्कत नहीं, रावण ठाकुर जी की पत्नी का हरण कर ले, ठाकुर जी के ऊपर इतने आक्रमण करे, उसके बाद रावण को भी मुक्ति मिल जाए, उसमें आपको कोई संदेह नहीं है। शिशुपाल बिना 100 गालियां दिए नाश्ता नहीं करता था, फिर भी उसको मृत्यु के बाद वैकुंठ मिला, उसमें आपको आपत्ति नहीं है। ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इसमें आपको आपत्ति हो रही है? वास्तव में वेद स्तुति है भागवत में, वहां वेद भगवान से कहते हैं कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के 3 कारण है। मुझे श्लोक याद नहीं इसलिए मैं केवल अर्थ बता रहा हूं। आपकी अभी 15 से 21 दिसंबर हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी सिवान के ही थे, परंतु बाल्यकाल में ही वृंदावन आ गए, अद्भुत विद्वान थे। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज, परम पूजनीय भागवत के सरस प्रवक्ता श्री डोंगरे जी महाराज और हमारे पूज्य मामा जी, जब भी श्रीधाम वृंदावन आते थे, गुरुदेव ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुदेव के सम्मुख ना जाते हैं। भागवत का प्रसाद जो आज पूरे विश्व में व्याप्त है, इस प्रसाद को बांटने में सबसे बड़ा योगदान है पूज्य गुरुदेव भगवान का, रामानुज गुरु जी। उनको सेवा कुंज वाले गुरु जी कहकर के पुकारते हैं। तो उनका हर वर्ष उत्सव होता है दिसंबर में, वैकुंठ उत्सव। तो हर वर्ष साल भर में और पिताजी कथा करते हैं, लेकिन साल में एक बार हम दोनों यजमान बन के कथा सुनते भी हैं दिसंबर के महीने में गुरुदेव के उत्सव में। तो हर वर्ष विद्वान जन आते हैं कथा करने के लिए। इस बार 15 से 21 दिसंबर पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे थे कल। आप श्री भी 2 बार वाल्मीकि रामायण कर चुके, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी 1 बार भागवत, 1 बार भक्तमाल जी कर चुके, श्री राजेश रामायणी जी राम कथा सुना चुके, बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथाएं हुई। इस बार जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, वे श्रीधाम वृंदावन पधार रहे हैं चित्रकूट से, और वहां पर यही विषय है वेद स्तुति, जो श्रीमद् भागवत में वेदों ने भगवान की स्तुति गाई है उसी विषय पर उनकी कथा है। तो वेद स्तुति में 3 भगवत प्राप्ति के कारण स्वयं वेद कहते हैं भगवान से। आपकी प्राप्ति 3 प्रकार से होती है भगवान। एक प्रकार क्या है, बोले एक प्रकार तो हिमालय पर जाओ, पेड़ से उल्टे लटक जाओ, सर्दी में बर्फ में विपरीत स्थिति में अपने शरीर को रख करके हरि स्मरण करो, भजन करो, तब जाकर के आप मिलते हो। दूसरी आपकी प्राप्ति का कारण क्या है, बोले सुबह से लेकर के शाम तक आपको गालियां देते रहो, रावण की तरह, कंस की तरह, शिशुपाल की तरह, दंत वक्र की तरह। क्यों, मिले तो आप राक्षसों को भी हो, भले ही भाव से ना मिले हो, कुभाव से मिले हो, उनको मृत्यु दंड देने के लिए मिले हो, लेकिन मिले तो हो ना। तो एक आपके मिलने का कारण है तपस्या, दूसरा आपके मिलने का कारण है आपसे बैर, और तीसरा आपकी प्राप्ति का कारण क्या है, बोले यथा ब्रज गोपिकानां, जैसे ब्रज की गोपियों ने आपकी ये मोटी मोटी भुजाएं, आपके गोल गोल रसगुल्ला जैसे गाल, आपके ये कटाक्ष नेत्र, आपकी सुंदर मुस्कान, आपकी सुंदर अलकावलियां, आपके सुंदर स्वरूप से प्रेम करके उन गोपियों ने आपको प्राप्त किया भगवान। ये 3 कारण हैं आपकी प्राप्ति के। लेकिन यदि आप हम वेदों से पूछो, हमारे पास तो शरीर भी नहीं है, हम तो केवल शब्द हैं, आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, यदि आप हम वेदों से पूछो कि मुझे कैसे प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला कारण बहुत कठिन है, तपस्या बड़ी मुश्किल है महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण रावण कंस आदि राक्षसों की तरह आपसे बैर करना, ये हमसे होगा नहीं। क्यों, हमारे भीतर आएगा ही नहीं भाव वो वाला।
बोले यदि आप हमसे पूछो कि मुझे कैसे प्राप्त करना चाहते हो, तो हम तो गोपियों वाला रास्ता अपनाएंगे। जो ब्रज की गोपियों ने आपसे प्रेम का मार्ग अपनाया, वही मार्ग हम अपनाएंगे। वेद कहते हैं, भगवत प्राप्ति, कल मैंने पद गाया था ना, प्रियतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप सुभग गुण लक्षण इन बातन ना रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पई है, वो प्रीत से ही मिलते हैं। और एक बात कह दूं तो ये अर्चन भक्ति जो है ना, ठाकुर जी की अर्चना में तुलसी ना हो चलेगा, पुष्प ना हो चलेगा, नैवेद्य ना हो चलेगा, फल ना हो चलेंगे, छप्पन भोग ना हो चलेगा, आपका प्रेम हो वो बहुत जरूरी है। मूल बात अब निकल के आई कि अर्चन भक्ति में ठाकुर जी को किस भाव से, किस वस्तु से अर्चना करनी है, तो प्रेम भाव से, प्रेम वस्तु की अर्चना करनी है बस। शुद्ध श्री विष्णुचित स्वामी जी ने जब यह दृश्य देखा तो रुदन करने लगे, नेत्र सजल हो गए, बोले नाथ ये कैसे संभव होगा, आप त्रिलोकी नाथ हो और मेरी पुत्री तो साधारण एक कन्या है। वैसे तो श्री गोदा जी का जो प्रादुर्भाव चरित्र उसमें वर्णन आता है कि वे भी भूमि जहां है, भूमि से प्रकट हुई, एक एक वन में प्राप्त हुई थी विष्णुचित स्वामी जी को, हाँ नंदवन उसमें प्राप्त हुई थी, परंतु फिर भी विष्णु श्री स्वामी जी निवेदन कर रहे हैं, बोले नाथ ये कैसे संभव होगा, क्योंकि वो आपको कांत मानती है, लेकिन आपने जो आज ये माला स्वीकार की इससे पता चलता है कि आप भी उसको स्वीकार तो कर चुके हो, परंतु ये कैसे संभव हो इस कलिकाल में। तब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और स्वप्न देकर के कहा कि भैया तुम्हारी जो ये श्री पुत्री है ना, ये इनका भाव मुझे बहुत प्रिय है और ये श्री लक्ष्मी जी की अंश है। बंधु अंश व्यक्ति या तो पधारते ही अंश स्वरूप में है, या फिर भगवत सत्संग करने के बाद सत्संग करते 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 उसके भाव को देख करके कोई ना कोई ठाकुर जी का विशिष्ट भक्त उसमें अंश के रूप में विद्यमान होने लगता है। कोई लोग हैं, अब जन्म तो हुआ उनका कहीं भी कैसे भी परिवार में हो, लेकिन कथा सुनते सुनते संतों के बीच में रहते रहते हनुमान जी की उपासना करते करते वो हनुमान जी जैसे दिखने लग जाते हैं। अली भाव होता है अवध में सखियों को, जैसे हमारे वृंदावन में गोपियां हैं वैसे अली हैं। अब कई अली भाव से श्री राम जानकी की सेवा करते हैं तो धीरे 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 वह अली स्वरूप में ही रहने लगते हैं, धीरे धीरे अंश कईयों के प्रकट भी हो जाते हैं। ठाकुर जी ने स्वप्न देकर के कहा कि हे स्वामी जी, आपकी जो पुत्री है ना, ये लक्ष्मी अंशा है और इनके भाव को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो अब कलिकाल में यही लक्ष्मी स्वरूप में मेरे साथ में इनका पूजन होगा, आप कृपा कर उनको हमारे गर्भगृह में हमको अर्पित कर दो, निवेदित कर दो, द्वार दोनों बंद कर दो, सुबह जब दर्शन करोगे तो आपका समाधान हो जाएगा। जैसे ही श्री गोदा जी ठाकुर जी के चरणों में गई हैं और प्रातःकाल जैसे ही समस्त वैष्णवों ने दर्शन किया तो श्री गोदा जी ही लक्ष्मी स्वरूप में प्रकट होकर के ठाकुर जी की संग में सेवा में, सेवा अर्चावतार के रूप में वहीं विद्यमान हो गई। बोलो श्री गोदाम्बा जी की जय। अच्छा, हमारे वृंदावन से गोदा जी का बहुत विशिष्ट प्रेम। गोदा जी ने अपने कहीं पर कुछ भाव अर्पित किए थे ठाकुर जी के प्रति, उनमें एक भाव इस प्रकार विद्यमान था कि वे ठाकुर जी को, ठाकुर जी के साथ में गोपियों की तरह रासव विहार करना चाहती थी। इसलिए 150-200 वर्ष पहले श्री रंग देसिक स्वामी जी हमारे वृंदावन में पधारे और उन्होंने गोदाम्बा जी की इस इच्छा को पूर्ण किया और श्रीधाम वृंदावन के रास भूमि पर श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको आज वृंदावन में रंग जी का मंदिर कहते हैं। श्री राधारमण निधिवन राज के पास में जो श्री रंग जी का मंदिर है उसका स्पष्ट नाम जो है वो श्री गोदा रंगमन्नार मंदिर, मन्नार कहते हैं रास को, वहां पर श्री गोदाम्बा जी साक्षात चतुर्भुज नारायण के साथ में रासव विहार कर रही हैं, वही दर्शन है श्री रंग जी में। तो ये श्री गोदा जी जो हैं ये कलयुग की अर्चन भक्ति की आचार्या हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार ये अर्चन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और अब आती है छठवी भक्ति वंदनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, श्रवण करोगे, मैंने कहा ना कड़ी सबकी मिली है, श्रवण करोगे तो कीर्तन में रुचि होगी, कीर्तन करोगे
सेवा में रुचि होगी, स्मरण में रुचि होगी। स्मरण करोगे तो ठाकुर जी के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ठाकुर जी की सेवा में रुचि होगी। सेवा करोगे तो फिर अर्चना की विधि होगी, और अर्चना करोगे फिर उसके बाद में बचता है ठाकुर जी का वंदन। ये वंदन भक्ति, वंदन भक्ति का मतलब है अपने हृदय के उद्गार ठाकुर जी के प्रति निवेदित करना। ठाकुर जी को वो अति प्रिय है, अति भाता है नाथ को, अपने हृदय के उद्गार, हृदय के भाव ठाकुर जी को अर्पित करना, वंदना करना। वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी महाराज। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव वैयास की कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने अक्रूरत्वभिवंदने। वंदन भक्ति के आचार्य कौन है? श्री अक्रूर जी महाराज। देखो बंधुओं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अक्रूर जी के भाव से वंदन भक्ति में एक ही बात स्वीकार करो, उनके नाम में ही वंदन भक्ति के आचारत्व का भाव आता है। नाम क्या है? अक्रूर। जो क्रूर नहीं है वही अक्रूर है। क्रूर नहीं है मतलब हम लोग दिखाते तो हैं कि हम क्रूर नहीं है, हम बड़े सहज हैं, हम बड़े सरल हैं, हम बड़े सीधे हैं, हमारा भाव बड़ा अच्छा है आदि आदि दिखाते तो हैं, लेकिन अंदर से वो अक्रूरता हमारे भीतर नहीं होती। कोई हमें बुरा कह दे, कोई हमें गलत कह दे, या फिर एक बात स्पष्ट कहें, बुरा कोई नहीं कहता, हमारी सत्यता को हमारे मुख पर कोई कह दे, हमसे वो स्वीकार नहीं होती है। भले ही हम शरीर से ना दिखावें लेकिन अंदर से उसके प्रति क्रूरता रखते हैं, अंदर से उसके प्रति उसका त्याग कर देते हैं। तो वंदन भक्ति का आचार्य जो ठाकुर जी को वंदन करे उसके भीतर क्रूरता नहीं होनी चाहिए, वो अक्रूर होना चाहिए। और वंदन करे किसका? खम्बायुयग्निम शलिलम महिम च, अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में भगवत तत्व देख करके सबको वंदन करे। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर, नाम सुना है? जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा जो थे ना, उनकी स्थिति क्या थी, सबको प्रणाम करते थे दंडवत। माता आ जाओ दंडवत प्रणाम, कोई भाई आ जाओ दंडवत प्रणाम, छोटा बालक आ जाए दंडवत प्रणाम, कुत्ता आ जाए दंडवत प्रणाम, सूकर आ जाए दंडवत प्रणाम। कहां तक गए महाराज, चींटियों को भी देखते थे कूद जाते थे, मक्खियों को भी राधा रानी की सखियां मानते थे, वे सब में भगवत तत्व देखते थे। और वे कहते थे यत्त प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। उनसे कही बाबा आप कैसे आदमी हो, सबको प्रणाम कर देते हो, नाली से उठ के आने वाले सूकर को भी प्रणाम कर देते हो, कुकर को भी प्रणाम करते हो, मक्खियों को भी प्रणाम करते हो, चींटियों को भी प्रणाम करते हो। तो वो बंगाली थे तो कहते थे आमी पागल मानुष, मैं पागल मानुष हूं, जो अपनो सुख चाहे हो तो मूरख बन के रहो। एक सूत्र है आज मेरे राम की शादी है, जय हो, धन्यवाद। चारों दुल्हा में बड़का, हाँ। बहुत भाव से सुनो बंधु, उनको पागल बाबा क्यों कहते? भैया यार बंद कर दो, हाँ। उनको पागल बाबा इसीलिए कहते थे क्योंकि वो सबसे कहीं भी प्रणाम करते कोई भी आके टोक जाता, हे बाबा क्या कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो, सूकर है, तो वो कहते अमी पागल मानुष, मैं पागल मानुष हूं, मैं पागल हूं। तुम पूरे वृंदावन में चर्चा का विषय बना दो कि ये बाबा पागल है, सबको प्रणाम करता है, सब पागल पागल कहकर दूर तो भी रहेंगे, तो मेरी जो ये वंदन भक्ति है इसमें खलन नहीं आएगा, मैं सबको वंदन करना चाहता हूं। सबको वंदन करते थे। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन सतक कहता है कि वृंदावन में प्रवेश करने वाला एक छोटा सा कीट भी, छोटा सा कीड़ा भी आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, वह भी प्रणाम का अधिकारी है। कोई अन्यथा भाव मत लीजिएगा, आप लोग कथा में बैठे हो,
आप किसी भी जाति के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी भाव से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ उत्सव में आए हो, कथा में बैठे हो, यहाँ से बाहर निकलो और यदि कोई व्यक्ति आपके भी चरण छू ले ना, उसको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक वैष्णव हो, कथा सुनकर के आ रहे हो। ठाकुर जी को जो अर्चित हो चुका है, जो अर्पित हो चुका है, जो ठाकुर जी के सन्मुख जा चुका है, वो सब वंदन के अधिकारी है। अक्रूर जी महाराज ने इस बात को प्रतिपादित किया, परंतु सब में वंदना का भाव कब तक प्रकट नहीं होगा? जब तक हृदय में अक्रूरता नहीं आएगी, क्रूरता जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक, नहीं तो हम सब में दोष बुद्धि रखेंगे। ये छोटा बालक है, ये तो ऐसा है, ये तो नहाता नहीं है, ये वैसा। श्री हरिराम व्यास जी, ओरछा निवासी हरिराम व्यास जी, सब जानते हैं उनको। श्री हरिराम व्यास जी जब वृंदावन चले गए, पहले तो हरिराम व्यास जी का पूरा चरित्र आपको पता ही होगा, बहुत विद्वान थे, सबको हराते थे, विद्वानों को जा जा करके चुनौती दे दे करके सबको हरा देते थे। तो जब काशी गए, काशी के विद्वानों को हराने लगे, तो विद्वानों ने जाकर के काशी विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना की, बोले ये हरिराम व्यास जी आ गए, सबको हरा देंगे, आप ही कुछ करो। विश्वनाथ भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के थोड़ी देर तो बातचीत हुई, कुछ प्रश्न आदि उत्तर आदि हुए, फिर उसके बाद में जब हरिराम व्यास जी को लगा ये साधारण नहीं है, चरण पकड़ लिए, बोले कौन हो आप? देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हरिराम व्यास जी के कहा कि हरिराम व्यास जी अपने रूप को पहचानो, तुम साधारण नहीं हो। कौन हूं मैं? बोले तुम ललिता सखी हो किशोरी जी की, श्याम सुंदर की। तुम्हारा स्थान काशी नहीं है, तुम्हारा स्थान ओरछा भी नहीं है, तुम्हारा स्थान श्रीधाम वृंदावन है, चले जाओ। उसी समय अपनी सारी पोथियों को गंगा जी में निवेदित करके सीधे वृंदावन आ गए हरिराम व्यास जी। और वृंदावन में आकर के उन्होंने पद गाया जिसको आज वृंदावन का निवास करने के लिए यदि किसी की इच्छा हो तो मैं अपनी व्यासपीठ से कहता हूं इस पद को जीवन भर अपना अंग अंग संग रख लो इसको। चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की किसी को अटपटा तो नहीं लग रहा है क्योंकि सवेरे राम जान की विवाह हो रहा है, रात में तो विवाह हो रहा है, बीच में मैं यहाँ हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर को लेके आ जाता हूँ। लेकिन वास्तव में देखो एक बात बताऊं, ये कथा जो है ना, आप सब लोग तो सिया जी वारे हो और कछु अवध वारे संत हैं, लेकिन ये वृंदावन से जो मंडली आई है ना, ये सब वृंदावन की बारात आई है। तो यहाँ में किशोरी जी भी आई हैं, अष्ट सखा भी आए हैं, श्रीकुंज बिहारी जी भी आए हैं, राधा वल्लभ लाल जी भी आए हैं, सवन के भाव को लेकर सबको प्रतिनिधि बन के आया हूँ। यहाँ हमारे मैं ज्यादा उन्हीं के भाव को गाऊं, और क्योंकि श्री राम वृंदावन से हैं इसलिए भाव में वही प्रकट होता है, लेकिन अंतर नहीं है, अंतर नहीं निमेश, राम कृष्ण दो एक हैं, बस इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी में और श्याम सुंदर में केवल इतना अंतर है, आपके जो दामाद जी है ना वो थोड़े गंभीर रहते हैं बस, हमारे ठाकुर जी जो है ना वो थोड़े चपल हैं। रघुनाथ जी तो आए तो केवल जनकपुर में भी, वहां भीतर जानकी जी के अंदर भवन में ही रहे होंगे, लेकिन अगर ठाकुर जी आते ना पूरे जनकपुर में उधम मचा के जाते, सबके घरन में उथल पुथल मचा के जाते, बस इतना ही अंतर है श्याम सुंदर में और रघुनाथ जी में। तो भैया वृंदावन को निवास चाहिए हो तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज गाते हैं, सब लोग भाव से गाइयो। चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, बैठ रहूं कुंजन के को
हरिराम व्यास जी कहते हैं। तो परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन आ गए। ध्यान से सुनियो, नित्य बिहारी जी जाते थे तो बिहारी जी का नियम था कि नित्य राजभोग के बाद राजभोग जब वितरण होता था तो पहले संतों में वितरण होता, विद्वानों में वितरण, ब्राह्मणों में वितरण, उसके बाद में भक्तों में वितरण, गुसाई परिवार में वितरण, और अंत में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानियों को दिया जाता था। एक दिन व्यास जी लेट हो गए पहुंचे मंदिर, और जैसे ही पहुंचे तो प्रसाद वितरण हो गया था, झाड़ू लगाने वाली को दे दिया अंतिम प्रसाद का भाव, और इतने में ही हरिराम व्यास जी पहुंचे। हरिराम व्यास जी को पूरा वृंदावन प्रणाम करता था, इतने विद्वान, लेकिन सखी भाव में रहते थे। जैसे ही पहुंचे तो रुदन करने लगे, हे बिहारी जी, आज मैं वंचित हो गया आपके प्रसाद से। इतने में देखा एक मेहतरानी प्रसाद लेके जा रही है, तो हरिराम व्यास जी उसके चरणों में गिर गए। बोले, हरी हरी मेहतरानी, कहाँ को जा रही है? ये प्रसाद तो को मिलाओ, ला जल्दी थोड़ा सा मोकू भी दे दे यहाँ में से। मेहतरानी दूर जाके बैठी, बोले, महाराज हमारे हाथ को पानी पीनो भी निषेध है, आप चरण में गिर करके और मेरे हाथ में रखो भयो प्रसाद मांग रहे हो, भगवान ऐसा अपराध तो मत करो, हम कौन से नरक में जाएंगे, कौन को मुख दिखाएंगे, कैसे कहाँ स्थिति होगी हमारी। हरिराम व्यास जी बोले, तू मेहतरानी और मैं विद्वान, परंतु बिहारी जी को प्रसाद चाहे तेरे हाथ में आवे चाहे मेरे हाथ में आवे, रहेगा तो प्रसाद ही है ना, वहां में तो कोई अंतर नहीं है ना। जब प्रसाद अपना रूप हमारे हाथन में आके नहीं बदल रहा है, तो हम बिहारी जी के सन्मुख आके अपने आप को क्यों बदल रहे हैं? हम दोनों ही नाथ के हैं, ये भेद दृष्टि क्यों रखे अपने मन में? चल अब भेद मत करे, या प्रसाद को जल्दी मेरे हाथ में दे। मेहतरानी ने प्रसाद दे दिया, हरिराम व्यास जी ने पा लिया। ऐसी स्थिति, ये अर्पण भक्ति है, ये वंदन भक्ति की पराकाष्ठा है। सब में श्रेष्ठता देख करके, सब में ठाकुर जी का दर्शन करके सबको वंदन करना, ये वंदन भक्ति। अक्रूर जी महाराज का स्तुति प्रकरण है, परंतु उसमें यदि गए ना तो फिर पूरी स्तुति प्रकरण के लिए पूरी दशम स्कंद की कथा कहनी पड़ेगी, ठाकुर जी के बाल लीलाओं का वर्णन करना पड़ेगा, तब जाके अक्रूर जी की स्तुति आती है। क्योंकि जब वे कंस के यहाँ पर बुलावे पर ठाकुर जी को लेके जाते हैं, तब अक्रूर जी की स्तुति है। तो मन में भाव आया कि वो पूरा भाव कहना पड़ेगा, और आधी अधूरी बाल लीला कह के वहां जावे तो रस नहीं आएगा। इसलिए फिर भाव रहा कि श्री अक्रूर जी कौन है? महाभागवत है। कौन है? महाभागवत। भागवत मतलब भक्त। तो अक्रूर जी जो वंदन भक्ति के आचार्य हैं, वो महाभागवत हैं। वो महाभागवत तत्व कैसे बने, उन्हीं का यदि हम लोग श्रवण कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वंदन भक्ति के लिए आचारत्व में क्या क्या वस्तुएं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जहां पर नवयोगेश्वर संवाद है, वहां पर भगवत भक्त कैसे बनते हैं, महाभागवत के अंदर गुण कैसे होने चाहिए, उन सबका निरूपण किया गया। उसको ध्यान से सुनिए, तब वंदन भक्ति में प्रवेश मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तम, मध्यम और साधारण, ठाकुर जी के तीन प्रकार के भक्त हैं। अधम नहीं होते, भक्त अधम कभी नहीं होता, भक्त साधारण होता है। उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, साधारण कौन है, तीनों की प्रवृत्ति यहां बताई। अब इनमें आप लोग कौन से हो, ये अपने आप खोज लेना। हम उत्तम हैं कि मध्यम हैं कि साधारण हैं। साधारण हो तो मध्यम बनने का प्रयास करना, और मध्यम हो तो उत्तम बनने का प्रयास करना। उत्तम कौन है? महाभागवत। मध्यम कौन है? भागवत। और साधारण कौन है? केवल भक्त। भक्त, भागवत और महाभागवत, तीन की परिभाषा यहां बताई गई है। ध्यान से सुनिएगा, वंदन भक्ति के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तब हरि नाम के योगेश्वर उत्तर देते हुए कहते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत् भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। बहुत सावधानी से सुनिएगा। उत्तम भागवत कौन? जैसा कि मैंने अभी भी बताया, सब में भगवान को देखे, लेकिन इसको और सुंदर सुनो। यहां पर हरि योगेश्वर ने और सुंदर बताया, बोले सर्वभूतेषु यह पश्येत, सब में जो भगवान को देखे, और जब भगवान को देखे तब भगवान में ही सबको देखे, यह उत्तम भागवत का लक्षण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जब माँ को देखे, पिता को देखे, भाई को देखे, बहन को देखे, पड़ोसी को देखे, अड़ोसी को देखे, सबको देखे, तो सब में श्री राघवेंद्र का दर्शन करे। स्थिति पता कैसी होनी चाहिए? आज तबला बढ़िया बज रहा है तो ऐसा भाव रखो आज आज हमारे श्याम सुंदर तबला वाले भैया के रूप में ही आ गए हैं। किसी दिन मंजरिया बढ़िया बज जाए तो यूँ समझो ये इनमें ही श्याम सुंदर आ गए। कोई श्रोता बहुत सुंदर नृत्य करे, बहुत सुंदर वस्त्र आदि पहन के आवे तो यूँ लगे आहा राघवेंद्र सरकार कितने सुंदर सज धज के आए हैं। कोई कथा में आकर के सो जाए तो लगे लाला थक गयो बेचारो सो गयो है। सबके प्रति भगवत भाव। परंतु दूसरी स्थिति क्या है? जब मंदिर में जाके राघवेंद्र सरकार को देखे तो उन्हीं में ही सबको देखे, यही मेरे सर्वस्व हैं, यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे सदगुरुदेव हैं, यही इसीलिए मंदिर में सदगुरु भी आ जाएं तो उनको प्रणाम का नहीं करना चाहिए। मंदिर में केवल ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में कभी कभी हम दर्शन करने जाते हैं, लोग बाग वहाँ प्रणाम करते हैं तो उनको मना करते हैं, भैया तुम प्रणाम करोगे अपराध तुमको नहीं लगेगा हमको लगेगा। क्यों? ठाकुर जी कहेंगे मेरा दर्शन कर रहा था तुम आ गए तो उसने मेरे को छोड़ के तुमको प्रणाम किया। इसलिए मंदिर में ठाकुर जी को ही सर्वस्व मानो, वही पिता है, वही मेरे माँ है, वही सर्वस्व है। सब में ठाकुर जी को देखो, लेकिन जब ठाकुर जी को देखो तो सबको ठाकुर जी में देखे। यह उत्तम भागवत का प्रथम लक्षण है। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या है? किसी भी कर्म को करने के पीछे वो स्वयं को प्रधान नहीं मानता कि ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा संपादित हुआ, ये इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैंने ही किया तो मेरा नाम क्यों नहीं बोला गया। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोगों को इसको बोलते हैं पदेशणा। क्या कहते हैं? पदेशणा। कई लोगों को पद की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। व्यासपीठ पर बैठे महाराज जी, हमारा नाम तो लिया नहीं, मेरे बारे में तो कुछ कह नहीं रहे, मैं तो इनको नित्य खीर खिला के आता हूँ, मैं इनके लिए सब व्यवस्था कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे बारे में भी कुछ बोल दिया करें, इस प्रकार का भावना। महाभागवत का लक्षण क्या है? वो बड़े से बड़े कार्यों को भी संपादित करता है तो संपादन करने के बाद में भी स्वयं को सूक्ष्म जान करके ये भाव नहीं रखता कि मेरे द्वारा संपादित हुआ है। ये महाभागवत का लक्षण है। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण है कि वो किसी भी कार्य को संपादित करता है, किसी भी क्रिया को करता है, उसके बाद स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानता, उसमें भी ठाकुर जी को श्रेष्ठ मानता है। और तीसरी बात कही, वासुदेवैक निलय, अपने तन को अपना तन ना मान करके, अपना शरीर ना मान करके, वासुदेवैक निलय। निलय कहते हैं घर को। श्री कृष्ण का घर है मेरा देह। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे, दसों इंद्रियों से भजन करो, आंखों से देखो, कान से सुनो, जिह्वा से गाओ, नासिका से चरणों की सुगंधि प्राप्त करो, जीभ से प्रसाद ग्रहण करो, त्वचा से ठाकुर जी के ही सत्संग में जाकर के वहां के वातावरण को स्वीकार करो, पैरों से ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करो, हाथों से करताल बजाओ। एक वैष्णव ने पूछा, बोले महाराज दसों इंद्रियां में गुप्त इंद्रियां भी आती हैं, उपस्थ इंद्रियां भी आती हैं, जिनका स्पर्श करके हम स्वयं भी अपवित्र होते हैं, अपना हाथ धोने के लिए जाते हैं, उन उपस्थ इंद्रियों से भगवत भजन कैसे हो सकता है? डोंगरे जी महाराज बोले, मेरा देह देवालय है, मेरे चित्त रूपी इस सुंदर गर्भगृह में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। तो जिस प्रकार हम जिस घर में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, उसको स्वच्छ रखते हैं, इसी प्रकार ये देह ठाकुर जी का निलय है, ठाकुर जी का घर है। इस भाव से मलमूत्र आदि का परित्याग कर दिया जाए, स्वयं को पवित्र रखा जाए, ये उपस्थ इंद्रियों से भजन है।